चुका है मेरा खाना, और ये लिबास लायता के लिए जिद कर रही है। और ये खाना, ये मम्मी ने उस दिन दाल बचा के रख दी थी, इसलिए मम्मी ने आज ये बनाया है। और मैं मम्मी को नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी मम्मी ने पट्टा नहीं पहना है। मैं बस लिबा को दिखा सकती, ये जिद कर रही थी। ये देखो जिद कर रही है। ये रही मेरी आयरा। हाँ, इस दुनिया मैंने मम्मी का सर धोया है, और जो मम्मी ने जो टिफिन का जो ढक्कन होता है ना, वो मैंने धोया है। बस बाकी सब तो मम्मी ने धोया है। जो मैं इसमें खाना खा रही हूँ ना, ये वाला मैं धोऊंगी। ठीक है, गुड गर्ल। ये हमारे बचपन का फोटो, ये दादी है, ये पप्पी है, और ये हमारे दादू है, और ये हमारे चाचू, और ये मैं हूँ, और वो मेरे पापा हैं, और ये मेरी मम्मी, और ये मैं हूँ छोटी सी, और ये मेरे पापा कार पे खड़े हैं। ये मेरे फोटो पहचान के हैं सारे। और ये दिल का घर, दिल की घड़ी। सॉरी, क्या कह रही है लिबा? लिबा कह रही है मेरा फोटो खींचो। ओह ऐसे, ओह ओ बेटे, ओह अस्सलाम वालेकुम तो कर दो। और वालेकुम अस्सलाम। लिबा ने नाश्ता कर लिया? इधर देख के बताओ ना। हाय गाइस, को सब बात बताओ, आंखें खोलो, सब बात बताओ। पूछो आप सब कैसे हो, आंखें खोल के तो देखो। हाय गाइस को, हाय गाइस को आंख खोल के देखो। सुबह ही सुबह महारानी ने मुझसे पराठा बनवाया। अच्छा मैं दिखा भैया, उठने तो दो मुझे। ये रहा लिबा, ओहो लिबा खुद दिखा रही है। ये रहा लिबा का पाठा, जो कि आधा खा चुकी है, आधा नहीं खा है ना। आधा क्यों नहीं खाया? नहीं खाया। खा लो नहीं, नहीं खाना अभी, ज़्यादा भूख नहीं। जैसे टीवी दिखा दूंगी, मैंने लगाई हुई है मशीन। कपड़े रोज ही हो जाते हैं, अल्लाह इनमें बड़ी बरकत होती है। कपड़े और बर्तनों में बहुत बरकत है। ऐसे करो। कैसे करूँ ऐसे? कैसे? अच्छा फ़ोन काटूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हूँ, मतलब फ़िलहाल ठीक हूँ। तो मैं सुबह से सोच रही थी कि ब्लॉग की शुरुआत करूँ, लेकिन कामों में थोड़ा फंसी हुई थी और फिर इतना मन हुआ नहीं। तो मैंने कहा फिर, लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे शुरुआत कर लेनी चाहिए कि एक बार शुरू हो जाए फिर तो इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाता है। मेरा ना कई बार ऐसा मन करता है कोई असिस्टेंट मिल जाए, आह कितना मज़ा है, फिर आसानी से ब्लॉग भी मिल जाएंगे और हो भी जाएगा। मतलब एडिटिंग तो खैर खुद ही को करनी पड़ेगी, तब भी है एक असिस्टेंट मेरे पास, आपकी लिबा है, वो मैं ज़रा सा भी कुछ शूट करूँगी, मम्मी लाओ मैं करती हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है। तो अभी तो दादू के पास गई हैं, वो नीचे खेल रही हैं अपने दादू के साथ। दादू अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना, तो वो नीचे के चक्कर काट जाते हैं, मम्मी दादू नहीं आए आज सुबह ही उठ गई। वैसे वो मेरे साथ ही उठ जाती सुबह, बल्कि आज उसने मुझे उठाया। आज आर्य का स्कूल था ना, तो उसी ने मुझे उठाया कि मम्मा मुझे फ़ोन दे। तुझे उसकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो वो फ़ोन मांगती है। मैंने कहा नहीं बाबू, अभी तो बहुत रात हो रही है। लेकिन जब वो मानी नहीं, फिर मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। मैंने कहा नहीं, रात नहीं हो रही, सुबह हो गई। बस फिर वो भी उठ गई हैं, आर्य के साथ ही नहा ली थी। बल्कि मैं उसको कई बार बोलती कि तुम क्यों उठ जाती इतनी जल्दी, तुम्हें क्या स्कूल जाना है? लेकिन बच्चों का ऐसा ही होता है, जिस दिन हमने इसके एडमिशन करा दिया और ये स्कूल जाएगी, उस दिन से मुझे पता है कि उस दिन से ये मुझे परेशान करेगी। लेकिन अभी तो मैडम को रोज़ ही साथ। तो बस, और मैं ना जैसे आप लोगों से हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। एक तो वैसे ही बहुत मतलब कम आ रही है, लेकिन जो आ भी रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे ज़्यादातर नींद जो आती है ना, वो सुबह के टाइम ही आती है। रात तो मतलब वही है कि अभी लिबा छोटी है, उसके दूध वूध लाने में, फिर खुद भी बार बार यू नो फ्रेश होने जाने में, सारी रात ऐसे बीत जाती है। सुबह के टाइम ऐसे लगता है कि अब सोऊं, लेकिन फिर वो आयरा की ड्यूटी है, तो वही है, ज़्यादा बोल के फिर सांस फूलती है। हाँ, तो मैं यही कहती थी कि अगर लिबा मतलब एक साल और बड़ी होती ना, तो मज़ा आता। उससे क्या हो जाता कि फिर दोनों स्कूल चली जाती, फिर मैं थोड़ा बच्चों को भेज के थोड़ा सो लेती, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। आयरा चली जाती है, अब एक छोटा बच्चा मेरे साथ है, उसको तो मेरी ज़रूरत है। हर 5 मिनट में उसे मम्मा चाहिए, कुछ ना कुछ उससे बोलना होता है, कुछ ना उससे चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं नहीं सो पाती, दिन में भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी सो जाती हूँ कभी नहीं सो पाती।
तो मतलब बहुत परेशान हैं हम नींद से, अपनी हर चीज़ से। खैर ये परेशानियाँ तो चलती रहेंगी, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन हाँ, मदरहुड होता बड़ा डिफ़िकल्ट है और हम लोगों के साथ सबके साथ एक चीज़ तो कॉमन ये है, और मेरी बात से शायद काफ़ी सारी लेडीज इत्तेफाक रखेंगी, कि जब भी हम इस कंडीशन में होते हैं ना, तो हम बस यही सोचते हैं अब की बार फ्री हो जाए, अब नहीं करें, अब नहीं करें। लेकिन कुछ साल बाद भूल जाते, लेकिन नहीं अब नहीं, अब तो जो हो जाए लफक दे दे, साथ कहने से दे दे, और अब नहीं है। इतने दम और इतनी हिम्मत कि भैया मैं और कुछ आगे सोचूँ, सोचा भी नहीं जाती। उड़ 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 तो बस अब जो भी टाइम चल रहा है चल रहा है। और आज मैं सोचूँ सब्ज़ी मंगाऊँ, बाबूजी तो है नहीं, दिल्ली चले गए, सब्ज़ियाँ मंगाऊँगी, पापा को ही बना के दूँगी लिस्ट, तो मंगाऊँगी वो सब्ज़ियाँ, तो दिन में ही बना लूँगी, क्योंकि शाम तक ना मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं सोचूँ अभी ये बना के रख देती हूँ, दिन में भी खा लेंगे बच्चों के साथ और फिर रात को भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर ये सोचूँ कि सब्ज़ी क्या मंगाऊँ। एक तो जब बाज़ार जाते हैं ना, तो 10 चीज़ें दिख जाती हैं, तो बंदा ले लें, घर में बैठ के बताना कि बोले आना बोले आना, वो बड़ा मुश्किल काम है। चलो देखती हूँ, मैं आती हूँ कुछ लिस्ट। अरे हाँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो हम लोगों ने अपने मतलब टेस्ट वगैरह तो हो गए मेरे सारे। हाँ, मेरे पास कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट ठीक है, माशाल्लाह से सब कुछ नॉर्मल है, किसी भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बस हाँ, थोड़ा सा खून की कमी है, खून की कमी है, तो बस उसका ध्यान रखना है, मैंने स्पेशली बोला है तो वो रखेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं तो गई नहीं थी, मैं आपको बताया था मेरे बस की बात नहीं है जाना, तो मम्मी पापा गए थे, ये थे नहीं, काम से गए थे, तो मम्मी पापा गए थे और ये पुलंदा भर के मेरी दवाइयों का लेकर आए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दवाइयाँ, ठीक है। तो ये रही मेरी दवाइयाँ जो मम्मी पापा लेकर आए हैं, सो स्वीट ऑफ देम है ना, मेरे लिए क्या क्या करते रहते हैं, वो परेशान होते रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, मम्मी को ये पता है कि मैं दवाइयाँ मैंने कभी खाई नहीं है, तो मुझे इतना पता नहीं रहता, तो वो ना लिखवा कर लाई है, देखो दर्द होने पर, वाह वाह वाह, इतना मतलब इतना ख्याल कौन रखता होगा आज के टाइम पे। भैया मुझे नहीं लगता कि कोई भी रखता होगा, अपने बच्चों का सब रखते हैं, लेकिन बहुओं का कोई नहीं रखता। अच्छा, ये है सुबह और शाम की दवाई। अच्छा, इसमें ना बड़ी प्यारी सी गोली है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और एक ट्यूब मंगाई थी मैंने, वो है, एंड इसके अलावा और भी है, इतनी सारी दवाइयाँ खाई कैसे जाएंगी। ये है दोपहर की, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छे से करके लाए हैं, वो लिखवा कर लाएँ ताकि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, इसके साथ खान पान का भी ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दिल वाली गोलियाँ, कैल्शियम की है वैसे, लेकिन ये दिल वाली गोलियाँ हैं, तो ये काफ़ी देर लगते हैं। 15 मम्मी बताई थी 15 दिन की दवाई है, हाँ 15 दिन की है, यस। तो ये दिल वाली जो गोलियाँ ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो या बस ये सब मम्मी पापा ले आए हैं, अब मुझे ये मैं कल से शुरू करूँगी कोर्स, क्योंकि आप लोगों को दिखानी थी, तो मैंने आज खाई नहीं, मैंने कहा चलो अभी जो मेरी पुरानी है वो खा लेते हैं, फिर अब मैं कल से अपना ये सारा कोर्स शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो बस जी, दोपहर का टाइम हो गया, 2:30 बज गया है, बहुत लेट हो गया बल्कि, तो मेरा खाना रेडी हो गया। तो ये मैंने सुबह सोनू के लिए बनाया था पराठा, उसने आधा ही खाया था, तो मैं आधा अब ले आई हूँ, रोटी ले आई हूँ, और ये सोनू का रायता है, ये मामा का रायता है, और ये बनी है मेरी वो सब्ज़ी सूखी जो मैं आपको रेसिपी दे रही थी ना, बिल्कुल सूखी सूखी बनती है, पूरियों के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ। ओ माय गॉड, मतलब मैं ना इतनी बिजी थी, मैं कपड़े धो रही थी, वरना मैं आपको दिखाती आ रहा है क्या एक्सप्रेशन, ओ वाह मम्मा आपने कितनी टेस्टी बनाई है। और माशाल्लाह आयरा अपनी डाइट से ज़्यादा खाना खा के गई है, ट्यूशन चली गई है, वो उसको बहुत पसंद आए, हमें भी बचपन में बहुत पसंद थी। चलो खाना शुरू करें, हैं पाता खाएगा, पाता नहीं खाना, अट्टी खानी है, अच्छा छोनू को अट्टी खानी है भैया, रुको मम्मा खिलाएगी ये छोनू को अट्टी, ये खाओ, ये हाफ अट्टी खाओ, ला मैं खिलाती हूँ, चलो मैं छोनू को खाना खिला देती पहले, ठीक है मम्मा खिलाएगी। आलू की सब्जी से खानी है? नहीं 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 नहीं, छोनू को आलू की सब्ज़ी से नहीं खानी। लेकिन एक बात बताऊँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून किस चीज़ में है, दोपहर का टाइम हो, है ना, आप थक के चूर हो गए हो, है ना, फिर आप नहाए हो,
गर्मियों का टाइम हो तो एसी चल रहा हो और टेस्टी सा खाना। हाँ, आपने फिर नमाज ही पढ़ी हो ताकि दिल का सुकून भी मिले, और फिर आप बैठ के खाना खाओ अपने बच्चों के साथ, बड़ा सुकून है भैया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह जैसे तूने मुझे सुकून दिया तो सब बेटियों को दे, आमीन सुमा आमीन। चलो इसी के साथ खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला वकतिल्ला। सोनू की दुआ पढ़ती है। यम्मी, अच्छा यम्मी। सोनू आप दिख नहीं रहे, अब दिख रहे, लो खाना खाओ, आपको दिखाना है मुझे। अच्छा मैं आपको, सोनू भी दिख रही है ना, आम के बैठ जाओ, ऐसे नहीं करो, है इसको पैर नहीं दिखाते, है गए गुस्सा हो जाएंगे फिर आपसे, कहेंगे ये जो इतनी गंदी लड़की है हमें तो पैर दिखाती है, हम तो इसको देखेंगे भी नहीं। धन्यवाद, पैर नीचे करो, रहते पिलाओ, सोनू खुद पियेंगे, पी लो रायता भी आपको दिखा के भेजा जाएगा, ऐसे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा गाय से बोलो चलो अब हम खाना खा ले, फिर बाद में बात करते, बाय करना।